हैंडल ठीक से पकड़। हे रुक जरा, क्या है? तुम्हारे बुक। थैंक्स, अब जाओ। अगर तुमने सोच लिया है तो बोल दो। हे जाना। चल खेलते हैं। ए, आशिक कहीं का? चल जा रहा हूं। चल रे धक्का मार। रामिया तू यहाँ रुक, मैं ऊपर बुक्स रख के आती हूँ, मेरे पीछे मत आना, ठीक है ना? लगता है मौका मिल गया। ए साइकिल पीछे आ रही है, पकड़ 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 साइकिल पीछे। ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। वो आएगा या नहीं आएगा? मैंने सोच लिया है, कल स्कूल में बताती हूँ। ओके अब जाओ। तुमने सोचा हमारे बारे में यही बहुत है, न कभी जाऊंगा न जाने दूंगा। गुड नाइट, गो। वैंडी, जब तुम्हें ठीक लगे मेरे साथ मेरे एरिया में चलोगी? क्या, क्यों? जब मेरे गली के लड़के हम दोनों को साथ देखेंगे तो फुल जेलस हो जाएंगे। हाँ हाँ। ओह ओके, देखूंगी। यस ओके, बाय बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय अंकल। फर्स्ट टच, वो भी ऐसे पर्सन से जो तुम्हें लाइक करती हो, बहुत डिफरेंट फील कराती है फर्स्ट टच। यस, मैजिक सा लगा। ए तुम मीम्स देखती हो राइट? यू फूल, मीमर्स आर द रियल एंटरटेनर्स। आई एम हैप्पी कि तुम उसी का पार्ट हो, बहुत बढ़िया। थैंक्स। हाँ, अगर फॉलोअर्स चाहिए हो तो बताना मुझे। तुम फॉलो कर रहे हो ना? तो मुझे फॉलो बैक कब मिलेगा? कल स्कूल में मिलो, सब बताती हूँ। ओके जाओ जाओ ना। ए जा। चल। कभी भी डांटने लगती है। रे बाबा। बाबा उसने कहा है कि कल बताएगी। यस यस।
चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। रोज स्कूल जाते हो और घर आते हो, कुछ पढ़ाई भी कर रहे हो या सिर्फ रास्ता कूदने जाते हो? इस बार फर्स्ट रैंक आएगा देखना, जैसे सेकंड ग्रेड में आया था मम्मी। नाइन्थ क्लास में सेकंड क्लास का सिलेबस पढ़ा रहे हैं क्या? मुझे सिर्फ वही आता है मम्मी, मैं क्या करूं? बेटा, नेक्स्ट ईयर टेंथ ग्रेड के एग्जाम है, अगर तू उसमें फेल हुआ तो मैं तुझे उस मैकेनिक शेड में भेज दूंगी, सोच ले अच्छे से। वहाँ कंफर्टेबल नहीं रहेगा मम्मी, मैं घर आके पढ़ूंगा। कहाँ ना घर आके पढ़ूंगा। बैग लेना भी ढंग से नहीं आया है। हाँ? ओम नमः शिवाय। ये क्या? सिर्फ एक बुक? बाकी किताबें कहाँ हैं? देखो, यहाँ से यहाँ तक मैथ्स है। हाँ? यहाँ से यहाँ तक सोशल है। यहाँ से यहाँ तक फिजिक्स है। और हाँ, ये देख रहे हो ना? हाँ? ये सेकंड पेपर है और ये है। हाँ? हिंदी। बस बस इतना ही? बाकी सब टेक्स्ट बुक और नोटबुक कहाँ है? वो मैंने बेच दिया। बेच दिया? बेच दिया? तेरी तो मम्मी, अगर आप ऐसे ही मारती रही तो मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। अभी बताती हूँ तुझे, तू स्कूल नहीं जाएगा? मम्मी, तुम्हें मैं बोल रहा हूँ, नो नो नो। हे भगवान, अरे मेरे चिंपांजी को देखा क्या? मैं यही हूँ मम्मी। तू इडियट, तू यहाँ छुपा है? यहाँ क्या कर रहा है तू? हाँ 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 मम्मी, वो ऐसे ही निकल गया था। आज नहीं, कल स्कूल में आके बताती हूँ। वो लोग तुझे स्कूल में नहीं लेंगे मम्मी। हैं? पहले मेरे स्कूल के फीस के बारे में सोचो, फिर अपने ज्वाइनिंग का सोचना। भाग यहाँ से, भैंसा कहीं का। मम्मी, अगर आपको लगता है कि सब प्रॉब्लम की जड़ मैं ही हूँ तो मैं ही चला जाता हूँ। तू कहाँ जाएगा? जब भूख लगेगी तो भाग के घर ही आएगा बेवकूफ। ए, सुनो सुनो, तुम ना मेरे पीछे आना जब मैं यहाँ से निकलूंगा, और कहना तेजा मुझे मैथ्स में एक डाउट है, प्लीज मेरी हेल्प करो ना। फिर हाँ? मैं कहूँगा कि कल रात को ही तो समझाया था, दोबारा समझाना पड़ेगा क्या? फिर से तुम कहना कि ये बस एक लास्ट डाउट है, प्लीज एक्सप्लेन कर दो ना, मुझे हेल्प कर दो ना, ऐसा कहना। मैं कहूँगा ओके, ठीक है ना? इससे मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हें पानी पूरी खिलाऊंगा। नहीं। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें मियापुर चंदनगर घुमाने ले जाऊंगा। वहाँ किस लिए? हम चंदनगर से मियापुर फिर वापस आ जाएंगे, चंदनगर में मुझे सब जानते हैं। जा रे। तेजा कहाँ रह गया यार? वो देख आ गया। तेजा, अब तो क्लास में भी सबको पता चल गया दोनों स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हो। हम दोनों ने अभी तक कंफर्म भी नहीं किया, तुम लोगों को कैसे पता चल गया? आज के जमाने में सब यूट्यूब से पता चल जाता है। अच्छा। तेजा। देखो, मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरे इंसल्ट मत करना, जो भी कहना हो तुम्हें बाद में कह देना प्लीज। मुझे मैथ्स में डाउट है, प्लीज समझा दो ना। अरे कल रात में ही तो एक्सप्लेन किया था ना, फिर से डाउट आ गया क्या? हाँ, लास्ट आउट प्लीज। ओके ओके ओके, तुम तो बहुत परेशान करती हो। अरे हमारी तेजा की साइकिल हमारे गाड़ी से आगे निकल गई है। खुश हो ना?
वो तीन वर्ड्स बोल दोगी तो और भी हैप्पी हो जाऊंगा। बोल दूंगी। अरे यार निश्चल, तू क्या कर रहा है? होमवर्क कर रहा हूँ यार। अरे यार, तो तू यहाँ क्यों कर रहा है? कल मुझे ये चीजें घर पे करनी चाहिए थी, लेकिन मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, स्कूल के बाद घर मत जा, यहीं सोया कर। जोक। नाउ इट्स अ सीरियस थम्स अप। हे, टाइम से पहले तूने थम्स अप कैसे किया? माजा, फांटा, रेड बुल, स्प्राइट, मिरिंडा, बुल। अरे मेरे लंच बॉक्स किधर है? पता नहीं। अरे तूने मेरा लंच बॉक्स? अब तू ऐसे क्यों देख रहा है? मेरी मम्मी ने पैक किया था मेरे लिए। अगले फिर मेरा लंच बॉक्स कहाँ गया? ये मेरा है भाई। अरे यार सॉरी यार, ये तेरा ही बॉक्स है। ये उमा टिफिन में चिकन राइस लाया है, तू खाएगा क्या? अरे रे, ये मैं लेके आया हूँ। ए चोर, यहाँ क्या देख रहा है? सीधा आगे देख। देना। अरे यार, देना यार। नहीं दूंगा मैं। अरे इसका टेस्ट तो बिल्कुल डिफरेंट था। अरे टिपरी, ये तेरा ही लंच बॉक्स है। ये देख, मेरा लंच बॉक्स यहाँ है। ओए, ये देख मेरी बचपन की फोटो। जब से तूने मेरा लंच बॉक्स खाना शुरू किया है, मैं ऐसा हो गया हूँ। ये मेरी बचपन की फोटो है। हैं? मम्मी ये कौन है? ये देख मेरी बचपन की फोटो है। जब से तुम्हारा टिफिन खा रहा हूँ, मैं प्रभास जैसा हो गया हूँ। उधर मुड़ पे। ए, तू कुछ लाया है क्या? कच्चा मेरे यहाँ भी। Names. My name is. दोरा साइड जा। उमा महेश, नीरज, निश्चलम, एवरीवन कम आउट। हे, अब तुम लोगों ने क्या कर दिया? हमने कुछ नया तो नहीं किया। कम आउट फास्ट। चल रे। क्या यार, तुम लोग भी पढ़ाई तो ठीक से करते नहीं, कम से कम फीस तो टाइम से भर दिया करो। अरे तुम लोगों तो एक मंथ का फीस नहीं भरा है। निश्चलम, तुमने तो तीन मंथ का भी नहीं भरा है। क्यों भाई, क्या है ये सब? नाइन्थ क्लास स्टूडेंट सर, फीस नहीं भरी अभी तक इन्होंने। निश्चलम का तो तीन मंथ का पेंडिंग है। थ्री मंथ से? तो तुमने इसको स्कूल में अलाउ क्यों किया है? इनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया? इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इन लोगों के पेरेंट्स की जॉब बहुत छोटी है, ये लोग थोड़े फाइनेंशियली वीक है। फिर से तुम्हारा स्टूपिड सा रिकमेंडेशन इन लोगों के लिए, ऐसे जैसे फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स हैं। लास्ट टाइम एग्जाम्स में कितने मार्क्स आए थे? बटन लगा, बटन लगा। ब्लडी बैक बेंचर्स। स्कूल फीस नहीं भरते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, समझ में नहीं आता कि तुम लोग स्कूल क्यों आते हो। I can't bear this. पहले kneel down करो, kneel down करो। इनके parents को तुरंत inform करो। Okay, okay sir. मुझे उन लोगों की list चाहिए जिन्होंने अभी तक fees नहीं भरी है। ठीक है sir. Shit, समझ में नहीं आता ये लोग school ही क्यों आते हैं। ये लोग मेरे school का नाम खराब करेंगे। कुछ नहीं होगा निश्चल। जब हम लोग बड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छा कमाना है यार, ऐसी पनिशमेंट दोबारा नहीं मिलनी चाहिए कभी। हाँ यार। अरे निश्चित,
आज आसमान लाल दिख रहा है। तू भी तो नेपाली लगता है, इसमें क्या? ए, पहले मैटर तो बता। अपने क्लास में तेजा और वंदना के बारे में, तेरी बहन के। हमारे पास फोटो है उनकी, उनकी फोटो हमारे पास भी है। तो वो फोटो नहीं जो तुम सोच रहे हो। ए प्रणित, अब वो तेजा की ना तो उसका साला बनेगा, तेरी बहन है, सोच ले। ए शराब, बैक बेंचर्स की दुकान बंद, खेल खत्म। अब बताऊंगा उनको मैं। फिर तेरी बहन का क्या? ए तेरी प्रॉब्लम क्या है रे? टर सिस्टर लगा के रखा है हा? तुम लोग स्कूल में फोन क्यों लेकर आते हो? पीटी टीचर को बताओ, बताओ। चल, अनप्रोफेशनल सीनियर्स। जाने दे रे। ए, पता है जब तू एब्सेंट था क्या हुआ? क्या हुआ? ये सब हुआ। अरे मेरी एब्सेंसी में इतना कुछ हो गया? हाँ चल। अरे भाई अब तो पार्टी दे। ए, अभी तक उसने प्रपोज नहीं किया। प्रपोज नहीं किया? चल ठीक है, प्रपोज ना करने की पार्टी दे दे। चिकन नूडल्स खाएंगे। अरे उन्हें छोड़, चल हम खाते हैं। क्या कहता है? जब वो मुझे वो थ्री वर्ड्स बोल देगी तो मैं तुझे डबल चिकन नूडल खिला दूंगा। सच में ना? हाँ ठीक है, चिकन नूडल्स खाएंगे, चिकन नूडल्स खाएंगे। क्या चिकन नूडल्स? आफ्टर स्कूल कम अप। पार्टी भाई, पार्टी दे चल। बस यही ना, यही दोस्ती है तेरी? सुन, जब तेरे पास पेन नहीं था तो मैंने कितनी बार तुझे पेन दिया, कितनी बार तुझे अपना लंच बॉक्स भी दिया था, और तेरे लिए ही मैं अपनी सीट छोड़ के यहाँ बैठा हूँ। तो एक काम कर, जाके वहाँ जाके बैठ जा। ए मोटे, तू क्या बीच में आ रहा है बे? मैं इससे बात कर रहा हूँ ना। मैं तो यही बैठता हूँ, बीच में कौन आया? यू रैबिट टीत आदमी। भैया आप नाइन्थ क्लास में हो क्या? यस। भैया आप टॉपर हो क्या? तुझे उससे क्या, तुझे जो बोलना है वो बोल। ए मेरे से ऐसे बात मत करो, रिस्पेक्ट। हाँ सॉरी सर, बताइए सर। भैया ये मैथ्स के सम्स में रामू बॉट 40 एप्पल्स और ऐसे ही श्रीनु बॉट्स 20 बनानास। वैसे ये रामू और श्रीनु रहते कहाँ हैं? अब बनाना और एप्पल खरीदते रहते हैं तो वही कहीं मार्केट में घूमते रहते होंगे, बिजी इंसान जो है। करेक्ट। भैया एक और डाउट है, जब हम नोकिया का फोन स्विच ऑन करते हैं टुन 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 ऐसा रिंगटोन बजता है और उसमें दो लोग हाथ भी मिलाते हैं, वो दोनों हाथ किसके हैं? ओ ऐसा, एक हाथ जो इस साइड से आता है उसका है और दूसरा हाथ जो उस साइड से आता है वो उसका है। भैया तुम उमा महेश हो ना?
हाँ मैं तो बहुत फेमस हो गया। हाँ मैं ही हूँ। नेक्स्ट ईयर लगता है तुम ऑटो खरीदोगे। तुम्हारे ऑटो में सबसे पहले मैं ही स्कूल आऊंगा, समझे? याद रखना। भैया तुम कल मेरे क्लास से मेरे फ्रेंड का चॉकलेट चुरा के लेके गए थे ना, और उन्होंने आपको लंगर हाउस एक्स रोड पे पीटा था, है ना? अरे इसलिए तो दो दिन स्कूल नहीं आया। अरे ड्रम, तुझे ये क्यों चाहिए है? ये इतना इंपॉर्टेंट है क्या? ये ले। मेरा तो ब्रेन ही डैमेज हो गया, मेरी किडनी कोमा में चली गई। भैया अगर आपको पीटा तो आपकी बॉडी की सारी हवा एक बार में ही बाहर निकल जाएगी। तू मुझे डराएगा और मैं डर जाऊंगा? हाँ मुझे लगता है मैं सुसु कर दूंगा। जा जा यहाँ से निकल। चल चल, हर चीज तमीज से कही जाती है, तरीके से कहो तो लोग सुनते हैं। हाय भैया। हे कमल, व्हाट्सअप? बढ़िया भैया। क्या रे, हमारे इंसल्ट करता और इसको रिस्पेक्ट दे रहा है? भैया बैक बेंचर हैं और तुम लोग बैक बेंचर्स हो, बहुत डिफरेंस है। भैया आपको जो भी हेल्प चाहिए हो मुझे बोलने का, मैं हमेशा आपके आगे खड़ा रहूंगा। ये ड्रम, तू अगर आगे खड़ा रहेगा तो हम कहाँ खड़े रहेंगे? साइड में खड़ा हो जा, नहीं तो फोकट में पिटेगा। अरे रे रे, जा जा। बाय भैया। बाय बाय भैया। चल जोड़ीदार। अरे तुझे कहाँ से मिला यार, ये कितना वायलेंट है। अगर हम हेल्प करेंगे तो हमें हेल्प मिलेगा, अगर हम रिस्पेक्ट देंगे तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगा। थॉट ऑफ द डे है भाई। अरे मैं तो बताना भूल गया, मेरे इंस्टाग्राम में 1000 फॉलोअर्स हो गए हैं। सर से हटा आपने। ऑल द बेस्ट भाई। बताओ क्या हुआ? तुम बताओ। मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें ही कहना होगा। तुमने मुझे यहाँ बुलाया है ना, तो अब तुम्हें ही कहना पड़ेगा। चलो बोलो अब क्या हुआ। क्या बताऊँ? हाँ क्या बोलो, क्या बताऊँ, क्या कमांड है? बताओ क्या बताना चाहते हो। I love you. I love you too. अरे sorry. एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ बताना था। तो मैंने क्या हाथ और पैर बांध रखे हैं? बोलो। अरे बाप रे, तुम बैंक बेंचर, मैं फ्रंट बेंचर, हम लोग कैसे साथ रह सकते हैं? ऐसा है, देखो मैं लास्ट बेंच से फर्स्ट रैंक ले आऊंगा, तुम फर्स्ट बेंच से फर्स्ट रैंक ले आना, इतना ही तो है। ऐसा नहीं है यार। तो कैसा है यार? अगर तू भी फ्रंट बेंचर रहेगा तो हम अपना लव कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले ही खत्म कर दिया, पागल लड़की। ऐसा नहीं है, तुम पढ़ो, मैं हेल्प करूंगी ना। लास्ट टाइम जो तुमने आंसर्स दिए थे ना, वही मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो गया था। अब दोबारा उसे पढ़ना मुझे बहुत महंगा पड़ेगा, मैं तो नहीं कर सकता। हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे दोबारा मत करवाओ ये असल सब। असल में तुम्हें पढ़ने में प्रॉब्लम क्या है बुक से? मुझे बुक्स खोलने में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी मैं बुक्स खोलता हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों नींद आ जाती है, ये प्रॉब्लम है। मुझे एक बात बताओ, हमारे लव का और बुक्स का कौन सा कनेक्शन है? हाँ बताओ क्या है, बताओ क्या कनेक्शन है? यही मैं तुम्हें ये प्रपोज करने से पहले बताना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। Thank you.
यस। आर यू सैड? नहीं, मैं फुल हैप्पी हूँ। हे, तुम रो क्यों रहे हो? सॉरी। मैं फिफ्थ क्लास से तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। बहुत दिन लग गए तुम्हारे क्लोज आने में ही, और अब तुम कह रही हो ओके, मैं अच्छे से पढ़ूंगा, तो तुम मेरे साथ रहोगी ना? अगर मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? मैं ऐसा क्यों करूंगी? अगर अच्छे से पढ़ूंगा तो साथ रहोगी, नहीं पढ़ूंगा तो छोड़कर चली जाओगी, है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें पता भी है तुम कितना स्टूपिड सोच रही हो? ये लोग यहीं रहेंगे। एक तीर से दो शिकार। बॉयज, कोई स्टूडेंट है क्या ऊपर? नहीं सर। सर ओके, चलो 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 चलो। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ना फर्स्ट बेंचर ना बैक बेंचर। मुझे तुम्हारा ये स्टूपिड लव नहीं चाहिए। सभी लड़कियां बकवास करती हैं। आज तक मेरे पेरेंट्स ने भी ऐसा नहीं डांटा, और तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो। डांटूंगा मैं, जरूर डांटूंगा तुम्हें। क्यों ना डांटू बताओ। हाँ जा रहे। क्या है, जाओ ना। तुमसे कौन बात करना चाहता है? ये डोर जाम हो गया है। अच्छा। मम्मी। हमेशा बैक बेंचर करती रहती हो। मुझे अब तभी लव करना जब तुम मुझे बैक बेंचर एक्सेप्ट कर लो। ये मेरी गलती है कि मैंने कंप्रेशन किया। अपने प्रपोजल मैटर को साइट करना चाहिए, और पहले सॉरी कहती हूँ। तेजा, पहले सॉरी बोलो। बब्बई, सॉरी यार। यहाँ क्या कर रही हो? मैं बास्केट भूल गई थी सर, और जाने लगी तो डोर लॉक हो गया। डोर लॉक हो गया? जाओ, मूव। Boom.